Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about 8365 Vision IAS Current Affairs Quality Section Chapter Number 7. In previous 6th chapter, we have studied several topics of current affairs related to quality. तो दोस्तों आज हम executive bodies के बारे में बात करेंगे जो कि कभी news में रहे हों. इन सब चाहे वो constitutional हो चाहे स्टेट्यूटरी हो या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज के द्वारा लाए गए हों, उन सब हम अथॉरिटीज के बारे में आज पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में, राइट? तो हमारा पहला है वो है UIDAI के बारे में, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में. आपको पता होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन आधार ऑथेंटिकेशन का काम करती है, आधार इशू करने का काम करती है. आधार तो ये न्यूज में क्यों है? तो गवर्नमेंट अमेंडेड आधार रूल्स. तो गवर्नमेंट ने आधार से रिलेटेड कुछ रूल्स को अमेंड किया है. अब क्या है इसको देख लेते हैं हम. इट स्पेसिफाइज दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मे बी अपडेटेड एट वंस बाय आधार होल्डर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम एनरोलमेंट डेट. यानी कि जब भी आपने एनरोल किया हो आधार, मतलब आधार में अपना नाम ऐड कराया हो, उसके 10 साल बाद आपको एक बार उसको अपडेट कराना है, कम से कम एटलीस्ट वन. अपडेशन विल इंश्योर कंटिन्यूड एक्यूरेसी ऑफ आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन CIDR, Central Identities Data Repository. ये चूंकि आधार का डेटा रखने का काम करती है, Central Identity Data Repository, जो कि आधार में जो भी आपने डेटा कलेक्ट करके रखा है, आपका जो भी हो, चाहे वो नेम हो या फिंगरप्रिंट हो या कॉर्निया हो, उन सब का डेटा यही ऑर्गेनाइजेशन रखने का काम करती है, उसको मैनेजमेंट करने का काम करती है. ऐसा इसलिए अमेंड किया गया है ताकि पता रहे कि जो भी आधार कार्ड में आपके बारे में लिखा गया हो, गवर्नमेंट को पता चले कि हाँ वो सही व्यक्ति के बारे में. CIDR इज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कंटेनिंग, तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, किसी स्टेट गवर्नमेंट इसको ओन करती नहीं है, ये सेंटर से रिलेटेड है. All आधार numbers is issued to आधार holders along with corresponding demographic biometric information of such individuals. तो ये आखिर रखता क्या है? तो आधार नंबर आपके पास जो डेटा होता है उनके पास रहता है आधार होल्डर्स का, उसके साथ साथ डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी इंडिविजुअल्स के उनके पास रहते हैं, लिखा गया है, ठीक है ना दोस्तों. अगला है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? तो आधार बायोमेट्रिक फॉर फॉरेंसिक्स. तो UIDAI states that biometric data collected for Aadhaar cannot be used to identify criminals or solve crimes. Very very important for the crimes point of view. दोस्तों जो भी आपका आधार डेटा है उसका इस्तेमाल किसी भी क्रिमिनल केस में अगर आपको कोई अरेस्ट होता है या डिटेंशन होता है तो वहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए आधार डेटा को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है. As it does not collect biometric information for a forensic purpose, क्योंकि ये forensic purpose के लिए biometric data नहीं collect करता है, ये लोगों की जानकारी simply ये एक register type का है, तो हम इसका इस्तेमाल, इसमें जो भी data है उसका इस्तेमाल forensic purpose के लिए नहीं कर सकते हैं. Furthermore, sharing or use of biometric information for any purpose other than generation of आधार number and authentication is impermissible under Aadhaar Act 2016. और इसके साथ ही साथ अगर कोई भी बायोमेट्रिक डेटा अगर आप शेयर करते हैं, कोई अगर आपकी मान लीजिए अथॉरिटी है वो अगर शेयर करती है तो ये भी ऐसा नहीं कर सकती है. ये आधार एक्ट 2016 के अनुसार ये इसको इम्पॉसिबल बना दिया गया है, यानी कि बिना आपके कंसेंट के वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता है. अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि ये एक अथॉरिटी है. तो ये किस तरीके की अथॉरिटी है, इसका गठन कब किया गया था? तो ये तरीके का स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, यानी कि किसी न किसी एक्ट के थ्रू ये आया होगा. तो देख लेते हैं किस एक्ट के थ्रू आया है. तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द आधार, यानी कि टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विस एक्ट 2016 के द्वारा इस अथॉरिटी का निर्माण किया गया है. इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोगों को शायद ये पता ना हो कि जो आपका UIDAI हो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है. अब इस अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया इसे? तो टू प्रोवाइड अ यूनिक एंड सिक्योर आइडेंटिटी टू एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, टू प्रोवाइड अ रिलायबल एंड एफिशियंट मेथड ऑफ वेरिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट services, to eliminate duplicate and fake identities. Key features kya hai iska? To it is a 12 digit unique identification number called Aadhaar to each residents of the country. Sabko pata hoga Aadhaar numbers are only issued to individuals who have resided for a period of 182 days or more in 12
मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और आधार से दोस्तों यूपीएससी ने 2019 में सवाल पूछ चुकी है, तो आप इसको हल्के मत लीजिएगा कि ये हो सकता है कि दोबारा ना पूछे। नहीं, तो इससे जो नए नए रूल्स बदले गए हैं आप उनको प्लीज क्लियरली देख लेंगे। तो कह रहा है कि वैसे लोग जो 182 दिन तक भारत में रह चुके हों, कब, या मोर देन 12 मंथ्स, कब से, जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हो, तो वहां से लेकर के 182 दिन या 12 मंथ्स तक, तब उनको एक आधार नंबर जारी किया जाता है। तो UIDAI issued बाल आधार कार्ड टू चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 बेस्ड ऑन देयर पेरेंट्स बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। यानी कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका आधार जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता नहीं होगा। तो इनका जो आधार नंबर होता है उनके पेरेंट्स के बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के आधार पे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, राइट दोस्तों। तो ये था हमारा आधार से रिलेटेड। अब है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये न्यूज में क्यों है? तो रिसेंटली सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन CIC अचीव्ड ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन पेंडेंसी ऑफ RTI, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन केसेज विद ए कॉन्स्टेंट राइज एंड डिस्पोजल ऑफ RTI अपील्स। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने देखा कि जो पेंडेंसी ऑफ RTI है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सूचना मांगना चाहता है तो वो उसको समय पर नहीं मिलता है, और इस तरह के केसेज है ना वहाँ बहुत सारे लंबित पड़े हैं, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में है। तो हम पहले CIC के बारे में बात कर लेते हैं। चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन है क्या ये? पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या CIC स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या है, क्वासाई जुडिशियल है? ये स्टैट्यूटरी बॉडियां है दोस्तों। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है 2005 में, RTI एक्ट 2005 जब आया था इसी एक्ट के अंडर इसका फॉर्मेशन किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कौन करता है CIC का, यानी कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन। यानी कि एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट करते हैं। उस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM होते हैं। और टेन्यूर कितना होता है? 3 साल या 65 साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब कंपोजिशन, यानी कि CIC में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमीशन, यानी कि 11 मेंबर होते हैं जिसमें से एक आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो जाएंगे और 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, ठीक है ना। 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये आपका मैक्सिमम 11 मेंबर है, और ये जो भी एक बार बन जाएंगे वो दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं दोस्तों। अब इनका काम क्या है ये भी देख लेते हैं हम। तो इनका काम है पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स, यानी कि सिविल कोर्ट्स का पावर इनके पास होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ समनिंग रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर वो नहीं दे पाया तो CIC उनको समन जारी कर सकती है, तो इसको कहते हैं पावर ऑफ सिविल कोर्ट का इनके पास राइट है। रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत, यानी कि कंप्लेंट को भी रिसीव करते हैं। अब RTI एक्ट 2005 था क्या, इसमें क्या क्या प्रोविजंस करे गए थे ये भी हम देख लेते हैं। इट रिप्लेस्ड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। अब आपसे पूछा जा सकता है RTI से पहले कौन सा एक्ट देश में चलता था, तो याद रखेंगे ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी न हो सकता है कई लोग इसके बारे में जानते भी हो। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, RTI एक्ट इंपावर्ड सिटीजंस प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज कंटेन करप्शन एंड मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर पीपल इन रियल सेंस। एज पर द RTI एक्ट 2005 सैलरी ऑफ CIC एंड ICJ, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट ए सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, will be equivalent to salary paid to the chief election commissioner, यानी कि chief election commissioner की जो salary होती है उनकी salary के बराबर ये CIC की salary होगी, and the election commissioners और ICJ की salary election commissioner के बराबर होगी respectively, ये कह रहा है। However, RTI bill 2019 removes these provisions and empowers central government। अब ये तो किया गया था RTI एक्ट 2005 में, लेकिन अब RTI बिल 2019 में पेश किया गया था, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो सैलरी है इसकी बाध्यता थी कि इनकी सैलरी जो होगा वो चीफ इंफॉर्मेशन चीफ इकोनॉमिक
करिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगा, वो इसको रिमूव कर दे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो तय करेगी कि इनकी सैलरी क्या होना चाहिए अब वही होगा। अब एग्जेम्पशंस अंडर आरटीआई इंक्लूड्स, यानी कि आरटीआई के अंतर्गत कौन कौन नहीं आते हैं, तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 प्रोहिबिट पब्लिक अथॉरिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स सच एज सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिबरेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन सबको बाहर रखा गया है, किनको किनको, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको नहीं प्रदान किया जाएगा, स्ट्रेटजिक जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी आपको नहीं दी जाएगी, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो भी होगा, और कोर्ट के द्वारा कोई अगर ऑर्डर पब्लिश किया गया होगा लॉ तो वो भी आपको नहीं दिया जाएगा, और रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अंडर सेक्शन 24 इट एग्जेम्प्ट्स द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड अंडर इट्स सेकंड शेड्यूल एग्जेम्प्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो ये इनको भी एग्जेम्प्ट करता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अब हम थोड़ा सा इंडियाज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में सुन लेते हैं। हाल ही में सीबीआई और ईडी के बहुत चर्चा रही दोस्तों, ईडी तो सीबीआई और ईडी के बारे में बहुत सा चर्चा रहा, इसलिए ये न्यूज में है। तो सीजीआई कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस टू ब्रिंग वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट मीन्स सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी एंड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIU अंडर वन रूफ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो पहली बात तो, यानी कि और उसके अंतर्गत आपका जो सीबीआई है और ईडी है और आपका SFIU है, ये तीनों के तीनों आना चाहिए, और ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा या इंस्टीट्यूशन होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। तो ये सीजीआई ने कहा था, अपनी राय दी थी। अब हम जान लेते हैं इन तीनों के बारे में कि सीबीआई, ईडी या SFIU क्या चीज है। तो सबसे पहले सीबीआई के बारे में हम देख लेते हैं कि ये किस टाइप की एजेंसी है। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पहली बात तो याद रखिएगा। सीबीआई कैसी है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1963 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेज के अंतर्गत किया गया था। याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेज के अंतर्गत सीबीआई आता है। अब इसका जो ये आपका एस्टेब्लिश किया था 1963 में, तब की बात है, ये गवर्न्ड बाय द दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये इससे गवर्न्ड किया जाता है, यानी कि इसको जो पावर वगैरह मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलते हैं। रिकमेंडेशन बाय द संथानम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64, ये संथानम कमेटी जब रिपोर्ट दी थी किस पे, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर, तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, तो हेडेड बाय अ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंटेड बाय द थ्री मेंबर कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्टी इन लोकसभा एंड सीजेआई, ये तीनों मिल करके अपॉइंट करते हैं सीबीआई के डायरेक्टर को। अब टेन्यूर क्या होता है, 2 ईयर टेन्यूर बट कैन बी गिवन 3 annual एक्सटेंशन। 2 ईयर टेन्यूर होता है सबसे पहली बात तो सीबीआई के डायरेक्टर का। अब ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी मतलब आप सोच नहीं सकते कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल भी हो सकता है, तो सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनके कार्यकाल 2 साल का होता है, हालांकि इनके 3 annual एक्सटेंशन दिया जा सकता है, यानी कि 3 बार इनको एक एक साल के लिए बढ़ा सकते, यानी 5 साल होता। अब इनका काम क्या होता है, फोकसेस ऑन कम्बेटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, कर्व इकोनॉमिक एंड वायलेंट क्राइम्स थ्रू मिटिकुलस इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस, फाइट साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल, इट इज द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया, कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशंस ऑन बिहाफ ऑफ अ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। और आपको पता होगा कि इंटरपोल की जो मीटिंग होती है तो उसमें भारत तरफ से कौन भाग लेता है, तो ये सीबीआई ही भाग लेता है। तो इंटरपोल का एक दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ये भारत की एक इकाई, भारत में एक इकाई हो जाएगा, वो भारत की इकाई हो जाएगा इंटरपोल का, राइट। अब देख लेते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का यानी कि ईडी का।
तो ये किस तरह के की ऑर्गेनाइजेशन है? पहली बात तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, याद रखेंगे ईडी क्या है, तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है और ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 1952 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये इसकी स्थापना करी गई थी, और ईडी डायरेक्टर इसके हेड कर इसको हेड करते हैं, और इनका भी टेन्यूर 2 साल का होता है बट कैन बी गिवन 3 एनुअल एक्सटेंशन, लेकिन इनको एक एक साल करके 3 बार बढ़ाया जा सकता है। अब इनका फंक्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ, आपने फेमा एक्ट का नाम सुना होगा, पीएमएलए का नाम सुना होगा और एफईओए का नाम सुना होगा, ये उसको इन्फोर्समेंट का काम क्या करते हैं, यानी कि इस एक्ट को वायलेट करने वाले जो जो भी लोग हैं उनके ऊपर रेड मारने का काम करते हैं सिंपली अगर कहें तो। तो फेमा का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल गतिविधियां हो रही हैं अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो ईडी वहां पर पहुंच जाएगा। सर्टेन प्रोविजंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, आपको पता होगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी ईडी ही छापेमारी करती है, एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 और पीएमएलए एक्ट 2002 है। ये आपसे दोस्तों पूछा एक बार पूछा गया है कि इन तीनों को आपको सजाना है कि कौन कब आया था, तो याद रखेंगे कि आपका जो फेमा एक्ट आया था ये 1999 में आया, और पीएमएलए एक्ट कब आया तो 2002 में आया, और आपका एफईओए यानी कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ये 2018 में आए। आप इन दोनों इन तीनों का ईयर याद रखेंगे, ये आपको मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है जो ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका ईडी। अब हम तीसरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इसके बारे में पढ़ते हैं, ऑफिस। और इसे किस तरह की बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत काम करती है, और इसकी स्थापना जो है ये 2003 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत की गई थी, राइट दोस्तों। और इसका कंपोजिशन क्या है, तो इस हेडेड बाय ईडी डायरेक्टर, यानी कि इसका भी जो हेड होते हैं वो ईडी के डायरेक्टर ही हेड करते हैं। हेडेड बाय ए डायरेक्टर, राइट, मतलब एक डायरेक्टर होते हैं और वो डायरेक्टर ईडी के ही डायरेक्टर हैं। इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स सच एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरीज, फॉरेंसिक ऑडिटर्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स इसके मेंबर हो सकते हैं। इसका काम क्या है, द पावर टू अरेस्ट एक्यूज्ड पीपल फॉर वायलेशन ऑफ कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी लॉ के अंतर्गत ये काम ही करता है, कंपनी एक्ट 2013, तो कंपनी लॉ को जो कोई भी वायलेट करता है ये उनको अरेस्ट करने का काम करता है। प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड लॉ। अब हम एनआईए भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये किस तरह की एजेंसी है, पहली बात तो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, इसका काम है काउंटर टेररिज्म का काम करना, और ये इनसाइड द कंट्री काम करती है दोस्तों। और जो आपका रॉ होता है तो वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ जो होता है वो आपका देश के बाहर काम करती है, और एनआईए देश के अंदर काम करती है, और दोनों सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है। अब इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 2008 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करते हैं एनआईए, याद रखेंगे। कंपोजिशन क्या है, तो हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इनका फंक्शन क्या है, तो गिव्स पावर टू द सेंट्रल एजेंसी टू टेक सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस ऑफ टेरर एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्रीज, फॉर केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंस रिलेटेड टू द काउंटरफिट करेंसी एंड बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म एंड ऑफेंस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट 908। तो इन सब के केसेस में ये प्रूव करने का काम करती है। प्रोवाइड टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट्स टू अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इंडिया, और भी दूसरे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं भारत में उनको ये टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब थोड़ा हम सीबीआई इन्वेस्टिगेट 3 टाइप्स ऑफ केसेज कौन कौन करती है ये भी देख लेते हैं। ये बड़ा ही न्यूज में है आजकल दोस्तों, जिससे एंटी करप्शन, दीज आर यूजुअली रजिस्टर्ड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स इंप्लॉइज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, द सुपरिटेंडेंस ऑफ सीबीआई रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 लाइज विद द सीवीसी, यानी कि
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत आता है। कौन से? तो ऑफेंसेज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो इसके अंतर्गत जो भी केसेज आएंगी वो सीवीसी के अंदर चली जाएंगी। स्पेशल केसेज क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर द आईपीसी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स और ऑन ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आपने सुना होगा कि फलाने केस को स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो कुछ इस तरह के सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि आईपीसी के अंतर्गत आते हो, अगर वो कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि यह केस सीबीआई हैंडल करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आदेश देती है कि पार्टिकुलर इवेंट जो है या क्राइम सीबीआई हैंडल करेगी, तो सीबीआई उसको हैंडल करती है, उसको कहते हैं स्पेशल क्राइम्स। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेज के केस क्या है? तो क्राइम ऑफ फाइनेंशियल मैलफेसेंस, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी ऑपरेशंस ईटीसी। हाउएवर सीबीआई यूजुअली ट्रांसफर केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टू ईडी, तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली इन सब को करने का काम ईडी करता है। और अगर मान लीजिए सीबीआई ये सब करता भी है तो वो केस फॉरवर्ड कर देता है, ईडी को ट्रांसफर कर देता है। अब सुओ मोटो, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीबीआई स्वतः जांच करने लगती है, आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं है, ना हाई कोर्ट की, ना स्टेट गवर्नमेंट की, ना सुप्रीम कोर्ट की, तो वो खुद। तो इस तरह के केसेस क्या है? तो सीबीआई कैन सुओ मोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन यूटीज, यानी कि जो आपके यूटीज हैं, तो यूटीज में अगर कोई चीज जांच करना हो तो सीबीआई को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंटर होल्ड्स द पावर टू ऑथोराइज द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन द स्टेट ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट्स। अब सीबीआई किसी राज्य में तभी दाखिल हो सकता है, जांच कर सकता है, जब वहां की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको इसके लिए परमिशन दे। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। हालांकि इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर चाहे तो सीबीआई को किसी भी राज्य में किसी भी क्राइम के बारे में जानकारी, किसी भी क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के आदेश दे सकती है बिना उस स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कवर किया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, इनको कवर कर लेते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या है, न्यूज में क्यों रहा है। तो सुरेश पटेल रिसेंटली टुक द चार्ज एज ए न्यूज सीवीसी। तो सुरेश पटेल को चीफ विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया का आपको ये इंचार्ज सौंपा गया है, इसीलिए ये न्यूज में है। तो देख लेते हैं पहले, तो ये किस तरह की बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है सीवीसी, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सेट अप इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑन करप्शन। यानी कि सीवीसी की स्थापना किसके तहत की गई थी दोस्तों? तो ये जो कमेटी बनी थी प्रिवेंशन ऑन करप्शन पर, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं, बाय प्रेसिडेंट। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मेंबर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा मेंबर। टेन्यूर कितना होता है? 4 years और एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। कंपोजिशन क्या है? सीवी कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 vigilance commissioners वीसी एज ए मेंबर, यानी कि कुल मिलाकर के 3 members होते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड वीसी शैल बी अपॉइंटेड फंक्शन एडवाइज एंड गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन फील्ड ऑफ विजिलेंस। तो ये एडवाइज और गाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फील्ड ऑफ विजिलेंस में, यानी कि जहां कोई भी जांच वच करना हो तो वहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करती है। ठीक है, अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये न्यूज में क्यों है? तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसीलिए न्यूज में है। याद रखेंगे नाम कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई। अब ये किस तरह की बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी है और साथ ही साथ क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी भी है ये। तो इसकी स्थापना जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत की गई थी। याद रखेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना पीसीआई एक्ट 1978 के तहत की गई थी। और इनका टेन्यूर कितने साल का होता है? तो 3 साल का होता है। अब देख लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो एक चेयरमैन होते हैं, हु हैज बाय कन्वेंशन बी ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज एंड 28 members। तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं।
और इसके साथ ही साथ 28 मेंबर की भी एक बॉडी होती है। चेयरमैन इज सिलेक्टेड बाय द लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन एंड अ मेंबर इलेक्टेड बाय द पीसीआई। 5 मेंबर फ्रॉम पार्लियामेंट, 3 नॉमिनेटेड बाय लोकसभा स्पीकर एंड 2 नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये अलग से आपके मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट से होते हैं, तो 3 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से होते हैं। और इनका काम क्या है पीसीआई का, तो वाचिंग, वॉचडॉग ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस कैसे काम कर रहे हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं फॉर प्रेस एंड बाय प्रेस, यानी कि प्रेस के लिए और प्रेस के द्वारा, ये प्रेस से रिलेटेड चीजों को देखने का काम करती है। ये है एडजुडिकेट्स एक्सप्लेन्स अगेंस्ट एंड बाय प्रेस फॉर वायलेशन ऑफ एथिक्स एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस रेस्पेक्टिवली। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस और कुछ भी अगर वायलेट होता है एथिक्स का प्रेस के द्वारा, तो इन सब को ये सुलझाने का भी काम करती है, क्योंकि ये क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी भी है, याद रखेंगे। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में देख लेते हैं। तो अर्बन लोकल बॉडीज है इसमें हमारा पहला टॉपिक, देख लेते हैं ये क्या है। तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडेड एक्ट 2022 आया है आपको। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 वाज इनेक्टेड दैट सिक्स टू रीयूनिफाई 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि एमसीडी दिल्ली में 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रीयूनिफाई कर दिया गया है। अब थोड़ा सा की प्रोविजन देख लेते हैं कि एमसीडी एक्ट 2022 में क्या क्या प्रोविजन किया गया है। तो ये इम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डिसाइड वेरियस मैटर्स लाइक बिल्डिंग रेगुलेशन, सैंक्शनिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लोन्स बाय अ कॉरपोरेशन ईटीसी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन न्यू कॉरपोरेशन शुड नॉट बी मोर देन 250, यानी कि 250 से ज्यादा टोटल मेंबर नहीं होने चाहिए एमसीडी में। अलाउ सेंटर टू अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ करप्शन अंटिल फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूनिफाइड एमसीडीज टेक्स प्लेस, ओमिट प्रोविजन ऑफ डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज। अगला है establishing an e-governance system for citizen service on any time anywhere basis for better accountable and transparent administration. MCD commissioner has been made accountable only to center. अब Delhi Municipal Corporation Amendment Act 2022 amends the Delhi Municipal Corporation Act 1957. यानी कि पहले जो एक्ट था वो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि आपका डीएमसी पहले हुआ करता था, जो अब हो गया है एमसीडी, ठीक है ना। तो पहले डीएमसीए एक्ट हुआ करता था 1957 टू इफेक्टिवली अंडू अर्लियर 2011 अमेंडमेंट टू द एक्ट बाय विच अर्सवाइल एमसीडी वाज ट्राइफर्केटेड इनटू सेपरेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट दिल्ली, यानी कि 3 भागों में बांटा गया था नॉर्थ साउथ और ईस्ट दिल्ली। अब इन तीनों को रीयूनिफाई कर दिया गया है एक नाम में, जिसका नाम होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि एमसीडी। स्प्लिट ऑफ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1987 बालाकृष्णन कमिटी रिपोर्ट के आधार पर। इन तीनों को अलग अलग किया गया था 1987 में। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच वाज ब्लस्टर्ड इन 2001 वीरेंद्र प्रकाश कमिटी रिपोर्ट। हालांकि बाद में वीरेंद्र कमिटी रिपोर्ट 2001 में आई तो उसने इसको मतलब सही नहीं माना था। अंडर आर्टिकल 239 क्लॉज ए सब क्लॉज ए, ये पार्लियामेंट इज इम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑन विच असेंबली कैन मेक लॉज। और ये किसके अंडर किया गया है, तो अंडर आर्टिकल 239 का ए के अंतर्गत किया गया है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है एनी मैटर को लेजिस्लेट करने का, कोई कानून बनाने का। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर अर्बन लोकल लेवल गवर्नमेंट इन इंडिया विच वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। तो 1 मिलियन से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में ये मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड एज महानगर पालिका या नगर पालिका या नगर निगम या सिटी कॉरपोरेशन, तो इन नामों से भी इसको जाना जाता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज सेट अप इन मद्रास इन 1688 ईस्वी, याद रखेंगे। पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपका मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसकी स्थापना 1688 में की गई थी, एंड फॉलोड बाय द सिमिलर कॉरपोरेशंस इन बॉम्बे एंड कैलकाटा इन 1726, यानी कि फिर बाद में बना था बॉम्बे और कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
1726 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन आपको पता होगा 1780 से 84 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। वायसराय ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इलेक्शन इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि लॉर्ड रिपन को हम लोग फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इन्होंने सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन की व्यवस्था की शुरुआत करी थी। याद रखेंगे टू स्ट्रेंथन द अर्बन लोकल बॉडीज फंक्शनिंग 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैज इंसर्टेड पार्ट 9A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अर्बन लोकल बॉडी को आपको पता होगा कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। Their source of revenue include property tax, water tax, professional tax, drainage tax, etc. and some fixed aid from state government. तो कहाँ कहाँ से अपनी इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है याद रखेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, ड्रेनेज टैक्स है और इस तरह की चीजें जो कि स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो चीज उनके अंडर में आएगा कि या नहीं आएगा। मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर कॉल्ड काउंसिलर्स। यानी कि आपको पता होगा कि मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और इनके मेंबर्स को काउंसिलर कहा जाता है। हालांकि दोस्तों कुछ राज्यों में जो मेयर का पोस्ट है यानी कि ये काउंसिलर मिल करके जो एक प्रेसिडेंट कहिए या अपने में से एक हेड को चुनते हैं जिसको हम मेयर कहते हैं जनरली। कुछ राज्यों में मेयर का इलेक्शन डायरेक्टली लोगों के द्वारा होता है लेकिन कुछ राज्यों में व्यवस्था नहीं है। इलेक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंडक्टेड अंडर गाइडेंस डायरेक्शन सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशनर। यानी कि यह स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है इनके चुनाव की जिम्मेदारी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टैब्लिश्ड इन स्टेट्स बाय एक्ट्स ऑफ कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन टेरिटरीज में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लगेगा और स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनके ऊपर कानून बनाएगी। अब हम ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है। तो कैग आपको पता होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आप जानते हैं इज ए प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू एक्सरसाइज ऑडिट कंट्रोल ओवर थ्री टीयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये अपना जो एरिया है यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं कहाँ तक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तक। यानी कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में भी ये जाकर के अब ऑडिट कर सकते हैं चीजों को। एट प्रेजेंट कैग हैज प्रेजेंस इन स्टेट कैपिटल एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जनरली अभी कैग का जो क्षेत्राधिकार है दोस्तों वो स्टेट गवर्नमेंट तक ही है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ऑडिटिंग अकाउंट होंगी ये जिले में ऑडिट अकाउंट को ऑडिट करने का काम नहीं करती है। व्हाइल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड द PRIs ड्रॉ मनी फ्रॉम द सेपरेट फंड अकाउंट्स केप्ट इन बैंक और ट्रेजरी। एज रिपोर्टेड कैग हैज नाउ डिसाइडेड टू एसर्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट to supervise all government expenditure whether drawn from the consolidated fund or the state treasury। यानी कि अब जो कैग होगा वो सबको ऑडिट करने करेगा ये डिसाइड किया है। चाहे तो अगर आप जो फंड की निकासी कंसोलिडेटेड फंड से किया गया हो या फिर वो स्टेट ट्रेजरी से किया गया हो कोई भी खाता हो चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड हो या स्टेट ट्रेजरी से रिलेटेड हो उन दोनों को ऑडिट करने का काम करेगी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ ऑडिट अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटी पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस किसके अंतर्गत आते हैं तो इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। कौन एक्ट तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स एक्ट 1971। अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड इट्स ऑडिट तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कैग के बारे में जान लेते हैं ये क्या है किस तरह की बॉडी है। तो कैग दोस्तों ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों जब भी आप कोई बॉडी के बारे में अगर पढ़ें तो आप ये बात ध्यान जरूर रखें कि वो किस तरह की बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशियल बॉडी है, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर वो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से आया है या फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया है, किस तरह की बॉडीज है। क्योंकि
ये बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, ये किस तरह की बॉडी है, अपॉइंट कौन करेगा कैग को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगी, आर्टिकल 148 में है। टेन्यूर कितना होगा, तो 6 साल होगा और 65 साल होगा, विच इज अर्लियर। सर्विस कंडीशन क्या है, सेम एज ए जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सर्विस होती है वही सर्विस कंडीशन है, यानी कि उनको अपॉइंट करना हटाना जो भी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट जज का होगा इनका भी होगा, सैलरी अलाउंस सब। टू ऑडिट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड द ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यानी कि इनका ऑडिट करना काम है रिसीट और एक्सपेंडिचर को जो भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनकट करती है। कैक एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्मेंस सच ड्यूटी इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट इसको पावर करता है, जो कुछ भी पावर देगा कि हाँ आपकी अथॉरिटी यहाँ से यहाँ के बीच है, कैग उसको करने की कोशिश करने करेगा। सिंपली अगर कहें तो पार्लियामेंट इसके पावर्स को डिसाइड करती है, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ ऑडिट करता है, तो यूनियन स्टेट्स एंड एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी जिसको पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करे कि हाँ आप जाइए उनकी ऑडिट करिए, राइट दोस्तों। अब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इट्स ऑडिट के बारे में जान लेते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ऑडिट किस तरीके से और कौन करता है। तो पार्लियामेंट पास्ड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 व्हिच मैंडेटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इन एवरी रीजन। ये तो बात हो गई कि उनके गठन की। दिस इंस्टीट्यूशन इज ए टियर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल फ्रेमवर्क थ्रू डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस फंड्स एंड फंक्शनरीज टू द लोकल गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 243 का जे ये क्या कहता है, तो लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द पंचायत्स एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट, यानी कि पंचायत का जो ऑडिटिंग का काम है इसको कौन हैंडल करेगा। आर्टिकल 243 जे कहता है कि लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ, यानी कि बाय लॉ के द्वारा वो चाहे तो एक ऐसी बॉडी गठित कर दे कि जाइए आप ऑडिट करिए, या जो कुछ भी वो प्रोविजंस करे कौन, स्टेट लेजिस्लेचर के जिम्मे होता है। और ये दोस्तों हमारा संविधान अधिकार देता है स्टेट गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड, ठीक है। अब आर्टिकल 243 का जेड, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मे प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द म्युनिसिपल एंड ऑडिटिंग सच अकाउंट्स, यानी कि दोनों ही केस में, लेकिन आपको आर्टिकल याद रखना है। तो आर्टिकल 243 का जे ये पंचायत से रिलेटेड अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर करता है, या स्टेट गवर्नमेंट जिसको ये जिम्मेदारी दे। और आर्टिकल 243 जे म्यूनिसिपल से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे उनको ऑडिट करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को देता है, या स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी किसी और अथॉरिटी को दे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा टाइमलाइन ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देख लेते हैं कि कैसे होता है लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट क्रिएटेड इन 1880, यानी कि पहली बार जो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट है ये 1880 में न्यूज में आया था, टू ऑडिट अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड अदर लोकल फंड्स बाय द ऑफिसर्स ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टाइल्ड एज ए एग्जामिनर ऑफ लोकल अकाउंट्स अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल। यानी कि ये इतिहास बहुत पुराना है और 1880 से ही लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट की स्थापना शुरू हो चुकी थी। तो पहली बार हम आते हैं रिपन रिजोल्यूशन 1882 में, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इनको फादर कहते हैं। द स्कीम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वुड डेवलप द म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैज बीन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ये जो रिजोल्यूशन आया था इसके तहत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ऑडिटिंग थी ये डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भेज दी गई। अब 1921 में इसमें एक रिफॉर्म हुआ, क्या हुआ कि ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज बिकम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार लोकल बॉडीज का ऑडिट ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट में कब इंसर्ट किया गया, तो ये किया गया 1921 के रिफॉर्म्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑडिट एंड अकाउंट्स टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस इन द स्टेट लॉ, यानी कि स्टेट जिसको प्रिस्क्राइब करे, ये तो आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे जिसको जिम्मेदारी दे वो ऑडिट करने का काम करेगा।
अब डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया देख लेते हैं कि क्या है। टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंस्टॉल लोकल सर्विस सर्वर्स एज वेल एज इंक्रीज इंटरेस्ट स्पीड इन सब रजिस्ट्रार ऑफिस। अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी कि दिल RMP ये प्रोग्राम है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर द DIL RMP। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप मिनिस्ट्री जरूर याद रखेंगे दोस्तों, ये जो स्कीम है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च 2016, याद रखेंगे ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो 2016 में लॉन्च किया गया था। थ्री मेजर कंपोनेंट है इसके, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड पहली बात, सर्वे और रिसर्वे करना और कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। अब इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी देख लेते हैं। तो एक अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड बनाना, ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटिक म्यूटेशन करना, इंटीग्रेशन बिटवीन टेक्सुअल एंड स्पेशल रिकॉर्ड्स और इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन, टू रिप्लेस एंड प्रेजेंट डिड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रिजम्प्टिव टाइटल सिस्टम विद दैट ऑफ द कंक्लूसिव टाइटल विद द टाइटल गारंटी, यानी कि ये प्रेजेंट डिड रजिस्ट्रेशन और प्रिजम्प्टिव है टाइटल सिस्टम विद दैट ऑफ द कंक्लूसिव टाइटल विद टाइटल गारंटी, ठीक है। ये इसका पर्पस है कि जो भी आप टाइटल से रिलेटेड चीजें हैं उनको एक लेवल में बनाना, यूनिफॉर्म करना टाइटल डिड्स को। टाइटल का मतलब आप समझते होंगे जमीन की खरीद बिक्री से रिलेटेड होता है टाइटल। हाउ इज लैंड ऑनरशिप रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, यानी कि लैंड ऑनरशिप अभी तक जो है भारत में कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो लैंड ऑनरशिप इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, यानी कि ROR, याद रखेंगे ROR क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट होता है, और इसका संबंध किससे है, तो लैंड ऑनरशिप से है। विच कैप्चर्स डिटेल्स सच एज द नेम ऑफ द लैंड होल्डर, द नंबर एंड साइज ऑफ द पोल एरिया एंड द रेवेन्यू रेट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, रजिस्टर्ड सेल डीड टू प्रूव प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एंड टैक्सेस ऑन द सेल हैव बीन पेड, सर्वे डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड द प्रॉपर्टीज बाउंड्रीज एंड एरिया एंड प्रूव दैट द प्रॉपर्टी ऑफ लिस्टेड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव्ड्स, यानी कि इन चार तरीके से लैंड ओनरशिप पता किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट से, रजिस्टर्ड फॉर सेल ड्यूड से, सर्वे डॉक्यूमेंट से और प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट से, यानी कि ये चार तरीके हैं जिससे पता चलता है कि जो पार्टिकुलर लैंड है वो किसकी है या किसके ओनरशिप के अंतर्गत वो बिलोंग करती है। अब अदर मेजर टेकन टू प्रमोट डिजिटाइजेशन क्या क्या है, तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज एन इन हाउस एडवांस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप्ड बाई द NIC। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूनिक ID 14 डिजिट्स फॉर एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इन कंट्री बेस्ड ऑन द जियो रेफरेंस कोऑर्डिनेट वर्टिसेस ऑफ द पार्सल। अब है भू नक्शा इज ए सॉल्यूशंस फॉर द डिजिटल कैडास्ट्रल मैपिंग, याद रखेंगे सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, यानी कि स्वामित्व स्कीम आपने सुना होगा, ये बड़ी ही चर्चा में रहता है, जिसे नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, ए स्कीम टू डी मार्केट इनहैबिटेड यानी कि आबादी लैंड, प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रॉपर्टी कार्ड्स इन रूरल एरियाज थ्रू द लेटेस्ट सर्वेइंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि स्वामित्व स्कीम जो है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के मदद से उन एरियाज को चिन्हित करेगा जहां पर लोग रहते हैं, और जो भी वो लैंड किसी मालिक के अगर ऑनर के अंतर्गत बिलोंग करती है तो उनको एक कार्ड दिया जाएगा जिसको हम कहते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी कार्ड या राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। एनी इनिशिएटिव टू ट्रांसलिटरेट रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टू एनी 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आपको दिया जाएगा ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित 22 भाषाओं में भी ये ट्रांसलेशन किया हुआ होगा। भूमि इज अ प्रोजेक्ट ज्वाइंटली फंडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, याद रखेंगे भूमि प्रोजेक्ट ये किसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कर्नाटका गवर्नमेंट का है। टू डिजिटाइज पेपर लैंड रिकॉर्ड्स एंड क्रिएट ए सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म टू कंट्रोल चेंजेस टू लैंड रजिस्ट्री इन कर्नाटका, तेलंगाना
धरानी प्रोजेक्ट इंटीग्रेट्स ROR डेटा विद द इंडिविजुअल लैंड प्लॉट मैप्स। तो यानी कि तेलंगाना का ये प्रोजेक्ट है, कौन? धरनी। तो धरनी प्रोजेक्ट है जो ROR डेटा को, इंडिविजुअल लैंड प्लॉट्स को ये मैप करने का काम करेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG। उसका लोकलाइजेशन का क्या मतलब है, यानी कि छोटे स्तर पर SDG को लेकर के जाना, ताकि लोग समझ सकें SDG क्या है, इसके गोल्स क्या है, और उसमें लोकल लेवल पर इसको हासिल करने में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है साइंड अ ज्वाइंट स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग द लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो SDG इज अ सेट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता होगा 17 रूल्स होते हैं, टू एंड पॉवर्टी, फाइट इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड टैकल क्लाइमेट चेंज बाय 2030। तो इसके सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और क्लाइमेट चेंज, ये मुख्य रूप से हैं, और 2030 तक इनको टारगेट रखा गया है खत्म करने की। इट वॉज अडॉप्टेड एट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन 2015। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था, किसको? तो SDGs को। यूज ऑफ SDGs टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द लोकल गवर्नमेंट लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी एंड आइडेंटिफाइंग हाउ बॉटम अप एक्शंस फ्रॉम लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स कैन सपोर्ट SDGs अचीवमेंट। अब एफर्ट्स टेकन फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ SDGs, क्या क्या एफर्ट्स लिया गया है। इन इंडिया ओवरऑल कोऑर्डिनेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs इज हैंडल्ड बाय द नीति आयोग विद द ट्विन मैंडेट ऑफ ओवरसीइंग एडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDGs इन द कंट्री। तो भारत में जो है नीति आयोग, आपको पता होगा कि SDGs जारी करती है, यानी कि नीति आयोग के जिम्मे में होता है कि कैसे हम लोकल लेवल पर SDGs को प्रमोट करें, आपको इम्प्लीमेंट करें। प्रोमोट कम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट्स एंड यूटीज। टू डू सो नीति आयोग लॉन्च्ड एनुअल SDG इंडिया इंडेक्स इन 2018। यानी कि 2018 से ही नीति आयोग एनुअल SDG इंडिया इंडेक्स जारी करती है, विच मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑन SDGs एंड लोकलाइजेशन ऑफ SDGs थ्रू 8 स्टेट्स। अब लोकलाइजेशन के फायदे क्या क्या है, तो कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए, तो गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल शोल्डर्स डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोकलाइजेशन इनेबल्स ईच लेवल टू प्ले इट्स रोल, प्रोमोट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन एट ए सब नेशनल लेवल। अब लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस क्या है इसका, तो नो वन साइज फिट्स ऑल अलाउज डेवलपिंग लोकल सॉल्यूशंस, फैसिलिटेट पीयर लर्निंग, सब नेशनल एंटिटीज कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, इम्प्रूव्ड स्टेट कैपेसिटी, यानी कि स्टेट कैपेसिटी को इम्प्रूव करना कि आप और बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट गेट्स अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज, फॉर इंस्टांस स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी। रूल्स फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ रीइंस्टेटमेंट ऑफ एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर, न्यूज में क्यों है, तो इन 2019 एन IAS ऑफिसर हु रिजाइंड फ्रॉम सर्विस हैज बीन रीइंस्टेटेड, यानी कि फिर से उनको बहाल किया गया है। तो क्या रूल है IAS ऑफिसर को फिर से रीइंस्टेट करने का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो रेजिग्नेशन ऑफ एन IAS ऑफिसर ऑफ एनी ऑफ थ्री ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट मींस IAS, IPS एंड IFS इज गवर्न्ड बाय द रूल्स 5.1 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1958। देयर आर सिमिलर रूल्स फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू द अदर सेंट्रल सर्विसेज एज वेल। रूल्स टू विथड्रॉ ए रेजिग्नेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। तो एज पर द DCRV रूल्स अमेंडेड इन 2011, सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट एन ऑफिसर टू विथड्रॉ हिज हर रेजिग्नेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर कोई IAS ऑफिसर अगर रिजाइन कर देता है, तो गवर्नमेंट जो है उसको पब्लिक इंटरेस्ट में देखते हुए ये कह सकती है कि आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले सकते हैं, या चाहे तो गवर्नमेंट पेंडिंग भी रख सकती है, यानी कि ये कह सकती है कि हाँ, हमने आपका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया। तो अगर अपने पास गवर्नमेंट रख लेती है रेजिग्नेशन लेटर को, तो ये माना जाएगा कि वो रिजाइन, मतलब कि उनका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया गया, चाहे कितना साल लग जाए। इफ एन ऑफिसर हु हैज सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन सेंड्स एन इंटीमेशन इन राइटिंग विथड्रॉइंग इट बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रेजिग्नेशन विल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑटोमेटिकली विथड्रॉन। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर द विथड्रॉवल ऑफ रेजिग्नेशन वेयर ए मेंबर इज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टीज और एनी रेजिग्नेशन
which takes part in politics, to take part in, assist in any other manners, any political movement or political activity, or to canvass or use his or her influence in connection with, or to take part in an election to any legislature or local authority. Our resignation of IAN officer must be submitted to Chief Secretary of the States. Very, very important. In case of an office serving in states, अगर वो states के किसी office में काम करता हो तो Chief State Secretary को वो अपना resignation letter देगा. Secretary of Concerned Ministry of Department in case of an office who is in central deputation. अगर वो central deputation पे है तो जिस ministry के अंतर्गत है उसके secretary को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे. Only after recommendation of concerned cadre state is received, the competent authority अर्थात the central government consider the officer's resignation. Competent authorities क्या है जो उनके resignation पर विचार करती हैं? तो वे है आपका Ministry of State, Department of Personnel and Training. In respect of IAS, यानी कि IAS के resignation को कौन देखती है? तो Department of Personnel and Training. Ministry of Home Affairs in respect of IPS or Ministry of Environment, Forest and Climate Change in case of Indian Forest Officers. ठीक है दोस्तों? अब नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ये हाल ही में इसकी स्थापना करी गई है दोस्तों. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस हैज लॉन्च्ड द नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस NSCSTI. अबाउट NSCSTI, डेवलप्ड एट ए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर. तो इसको किस लिए डेवलप्ड किया गया है? एट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर. वेब पोर्टल एंड अप्रोच पेपर फॉर नेशनल स्टैंडर्ड है ऑल्सो इनॉग्रेटेड. तो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ये है क्या? तो 8 पिलर पे काम करता है. कौन कौन? तो ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट, रिसोर्स टारगेट्स, डिजिटलाइजेशन, ट्रेनिंग सपोर्ट, कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, ऑपरेशंस एंड गवर्नेंस. तो ये 8 पिलर पर ये आपका इंस्टीट्यूशंस काम करेगा. इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कम आउट विद अ यूनिक मॉडल टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एट अ नेशनल लेवल. इंडिया ऑलरेडी हैज स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंट. स्टैंडर्ड्स विल इक्विप सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प सिविल सर्वेंट्स टैकल इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी. ऑब्जेक्टिव ऑफ NSCSTI क्या होता है? क्रिएट्स अ बेसलाइन फॉर CTIs, दैट मींस सेंट्रल ट्रेनिंग institutions, their current capacity for the elevating their quality and capacity of training delivery and to harmonize standards for training. Set aspirations for the training institutions to strive towards excellence. ठीक है दोस्तों, अब capacity building commission क्या है, जहां पर ये काम करेगा, जिसके headquarter में ये काम करेगा, इसको देख लेते हैं क्या है ये. तो ये एक independent body है with complete executive and financial autonomy. और थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया के जरिए 2021 में इसकी स्थापना करी गई थी. 3 मेंबर सपोर्टेड बाय एन इंटरनल सेक्रेटेरिएट. 3 मेंबर कमिटी होती है और एक इंटरनल सेक्रेटेरिएट होते हैं सपोर्ट करने के लिए. सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय एन ऑफिसर्स इन ग्रेड ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ CBC. ठीक है, फंक्शन ऑफ CBC क्या है? बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड शेप अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन कोलैबोरेटिव एंड पोर शेयरिंग बेसिस. Facilitated preparation of annual capacity building plans of departments, ministry and agencies. Preparing an annual states of civil services report. Approving knowledge partners for missions. Evolving a harmonious D-SWAD approach to capacity building initiatives. ठीक है दोस्तों, ये सब एग्जाम में लिखने के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं. आप इनको मेंस परस्पेक्टिव से याद रख सकते हैं. अब सिविल सर्विसेज के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं देख लेते हैं. तो मिशन कर्मयोगी ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसको याद रखेंगे. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म विच अलाउ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक टू अंडरगो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग डिपेंडिंग ऑन देयर डोमेन एरियाज. इट एम्स एट बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज विद द राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज अलाइंड टू द विजन ऑफ न्यू इंडिया. अब मिशन आरंभ लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज अ फर्स्ट ईयर कॉमन फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग. ठीक है ना. नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी, इट वाज अडॉप्टेड इन 1996 एंड रिव्यूड इन 2012 टू डेवलप ए प्रोफेशनल इम्पार्शियल एंड एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू नीड्स इन
citizens and ensuring that they possess requisite knowledge, skills and attitude to make them able to perform and functions they are interested with. और अगला स्कीम क्या था, तो लैटरल एंट्री, डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स एट द मिडिल एट अ सीनियर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की रादर देन ओनली अपॉइंटिंग रेगुलर सिविल सर्वेंट्स थ्रू द प्रोमोशन. अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं जो न्यूज में रहे हैं. तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम PCS क्या है ये, तो डिसीजन टू सेट अप PCS हैज बीन टेकन ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस टूरिज्म प्रोवाइड बेटर पॉलिसिंग एंड maintain law and order. District would be declared as the metropolitan cities as per rules of code of criminal procedure CRPC before implementing PCS. Earlier Lucknow Noida adopted PCS followed by the Kanpur and Varanasi. Police commissionerate system or DCS यानी कि dual command system, ये दो चीजें हैं, आप इन दोनों को समझ लीजिए कि दोनों में अंतर क्या है. तो commissioner of police यानी कि CP is head of unified police command structure, is responsible for force in city and is accountable to state government. CP is drawn from deputy inspector general rank or above and is assisted by special joint additional deputy commissioner. Such police officer has power of preventive arrest imposing section 144 of CRPC act and initiate chapter proceedings. Officers also has magisterial power including those related to regulation control and licensing. Various committees have recommended PCS implementation in cities which have population of more than 10 lakhs. District अब dual command system क्या होता है, तो district magistrate DM and superintendent of police SP share powers and responsibilities in the district. DM is entrusted with issuing arrest warrant licensing while SP has powers and responsibility to investigate crime and make arrest. System is designed to ensure lower concentration of power and making police more accountable to DM at a district level. ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो अगला न्यूज है probity portal के बारे में, PP के बारे में. तो revamped probity portal has been launched by the Department of Personnel and Training. Probity का मतलब होता है quality of having strong moral principle such as honesty, uprightness, transparency and incorruptibility and strictly following them. PP was launched in 2017 to capture data from all ministries, department, autonomous organization, public sector, banks in respect of issues like number of cases pending, rotational transfer policies, penalty discipline proceeding. And the Department of Personnel and Training has now completely revamped the portal to add more functionalities to improve user experience. Right, दोस्तों, Meghalaya Enterprise Architecture यानी कि मेघ ईए प्रोजेक्ट, ये क्या है, तो मेघी ई प्रपोजल सिस्टम recently won UN World Summit on Information Society Forums Award 2022. The project aims to improve service delivery and governance for the people using power of digital technology launched by the Ministry of Electronics and Information Technology and vision to make Meghalaya a high income state by 2030. First of its kind project which is based on the India's National Enterprise Architecture Framework. अब ये छह पिलर पर काम करेगा, गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड environment. Government declaration on future on internet. So government ka kuch declaration aaya hai, aiming to keep internet open, free and neutral. The declaration is a political commitment among partners to advance a positive vision for the internet and digital technology. Around 60 countries have signed declaration, include US, European Union, United Kingdom, Canada, France, India, China and Russia are among large nations that are not part of this declaration. Earlier, a report titled The Return of Digital Authoritarianism, Internet Shutdowns highlighted that number of countries that shut down the internet in 2021 has increased to 34 from 29 in 2020. India is a top country to improve internet shutdowns in 2021. For fourth consecutive year, India did not sign Budapest Convention on Cybercrime. आप याद रखेंगे कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम से. एंड डेटा शेयरिंग प्रोविजंस
और बुडापेस्ट कन्वेंशन इन्फ्रेंजिंग ऑन नेशनल सोवरेनिटी, इसीलिए भारत ने इसको साइन नहीं किया है। और दूसरा रीजन यह है कि प्रेजेंटली इट इज ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज। इंटरनेट शटडाउन रिलेटेड प्रोविजन इन इंडिया, करेंटली सस्पेंशन ऑफ टेलीविजन सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन इज गवर्नड बाय द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 से गवर्न किया जाता है, नोटिफाइड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत। 2017 रूल्स प्रोवाइड फॉर द टेम्पररी शटडाउन ऑफ इलेक्शन सर्विसेज इन अ रीजन ऑन अ ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी अप टू 15 डेज एट वंस। यूनाइटेड नेशंस हैज कॉल्ड ऑन कंट्रीज टू स्टॉप इम्पोजिंग इंटरनेट शटडाउन वारिंग द डायर्स कॉन्सिक्वेंसेज। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, इन एन एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड बैंक WGI, अ की इनपुट ऑफ इंडियाज सॉवरेन रेटिंग, इंडियाज स्कोर्स वेयर मच बिलो इट्स पीयर ऑफ ऑन काउंट्स। अबाउट WGI के बारे में हम जान लेते हैं कि WGI रिपोर्ट एग्रीगेट एंड इंडिविजुअल गवर्नेंस इंडिकेटर्स फॉर ओवर 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ओवर द पीरियड 1996-2020। इट इज बेस्ड ऑन 6 डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस combining views of a large number of enterprise citizens and experts surveying respondent in industrial and developing countries। ठीक है दोस्तों, 6 डायमेंशन पे ये काम करता है। कौन कौन है देख लीजिए, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल करप्शन, रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी क्वालिटी, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड अबसेंस ऑफ वायलेंस टेररिज्म, ये इस सिद्धांत पे काम करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 देख लेते हैं, ये रिलीज कौन करता है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हाईलाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट जर्नलिस्ट न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटिजंस हैव इन ईच कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रिस्पेक्ट सच फ्रीडम। रैंकिंग आर बेस्ड ऑन अ स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100, 100 बीइंग द बेस्ट पॉसिबल स्कोर्स और 0 इज द वर्स्ट। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया 5 होते हैं, कौन कौन, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। इंडिया जो है 8 स्थान खिसक करके 150वें नंबर पे चला गया है 2022 में, पहले 142वें नंबर पे था 180 देशों में। अब है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021, देख लेते हैं कि ये क्या है दोस्तों। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवांसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन हैड कॉन्स्टिट्यूटेड NESDA in 2019 to assess state UTs and central minister on depth and effectiveness of e-governance service delivery. E-governance is use of information communication technology at all levels of the government to transform relations with the citizens, business and other arms of government. A periodic assessment hota hai intended to improve effectiveness of states, union, territories and central government in delivery of their online services to the citizens. और ये कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज। और इसके साथ और कौन कौन जुड़े हैं, तो नैसकॉम एंड KPMG इन 2021। और 4 मेन पैरामीटर कौन कौन सा होता है, तो एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ यूज एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल्स। अब सेंसस टाउन्स क्या है ये भी देख लेते हैं हम। तो मेघालय गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मनरेगास इन सेंसस टाउन्स ऑफ द स्टेट्स। सेंसस टाउन्स आर एरियाज दैट आर नॉट डिफाइंड एज अ टाउन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट बट हैव अर्बन कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द एम्बिग्यूटी इन द, याद रखें किस राज्य में, सबसे पहली बात तो मेघालय में है, ड्यू टू द एम्बिग्यूटी इन देयर क्लासिफिकेशन बेनिफिट्स फ्रॉम नाइदर द अर्बन स्कीम्स नॉर द रूरल स्कीम्स वुड रियलाइज 3 कंडीशंस टू डिफाइन सेंसस टाउन्स। यानी कि आप ठीक से इसको टाउन ना ही इसको रूरल एरिया घोषित कर पाए तो उनको हम सेंसस टाउन्स कहते हैं। तो पॉपुलेशन 4000 या उससे अधिक होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, मेल नॉन फार्म वर्कफोर्स मोर देन 75% होनी चाहिए। अब ई गवर्नमेंट सर्विस 2022 क्या है,
तो ये है फ्यूचर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट, रिलीज्ड कौन करता है, तो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, या एसेस करता है तो डिजिटल गवर्नमेंट लैंडस्केप अक्रॉस ऑल 193 मेंबर स्टेट्स, यानी कि यूएन मेंबर स्टेट्स। ये फाइंडिंग क्या है, तो इंडिया को 105वें नंबर पर रखा गया है ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में और 61 इन ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में, और 2020 में ये 100 रैंक पे था और 29 रैंक पे था, यानी कि 29 पर था किसमें, ई पार्टिसिपेशन में, और 100 किस कौन से रैंक पे था, तो ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में था। डेनमार्क रैंक 1 और जापान ये दूसरे वाले रैंक में, यानी कि ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में डेनमार्क और ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में जापान नंबर 1 पे था। अब पर्सनैलिटी राइट क्या होता है, न्यूज में क्यों है, तो दिल्ली हाईकोर्ट रिसेंटली पास्ड अ अंतरिम ऑर्डर टू प्रिवेंट अनलॉफुल यूज ऑफ सेलिब्रिटीज नेम्स इमेज एंड वॉइस, दस हाईलाइटिंग इश्यूज ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स। अब क्या होते हैं पर्सनालिटी राइट, रेफर टू द राइट ऑफ ए पर्सन टू प्रोटेक्ट हर पर्सनालिटी राइट्स अंडर द राइट टू प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी। पर्सनालिटी राइट्स आर राइट ऑफ फेमस पर्सनालिटी एंड सेलिब्रिटीज हुज नेम्स वॉइस सिग्नेचर एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट हैज कमर्शियल वैल्यू एंड कैन मोबिलाइज एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक एट लार्ज। अब गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड न्यूज है, तो मद्रास हाईकोर्ट डायरेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इंक्लूड फोटोग्राफ्स ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड एमपीज इन 44th चेस ओलंपियाड एडवर्टीजमेंट। इन 2015 कॉमन काउज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट साउट टू रेगुलेट द वे ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन एनआर माधव मेनन कमिटी सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड ऑन गवर्नमेंट्स एडवर्टीजमेंट पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट टू अवॉइड पॉलिटिकल पार्टीज सिंबल लोगो और फ्लैग, यूज फोटोग्राफ्स ओनली फॉर प्रेसिडेंट पीएम सीजीआई गवर्नर और सीएम। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है इसको देख लेते हैं, तो आफ्टर इंप्रूवमेंट इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग नाउ गवर्नमेंट हैज टर्न इट्स अटेंशन टू स्कोरिंग बेटर इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इंडिया इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट अ यूएस बेस्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप। इन 2012 इंडिया वॉज रैंक 77th आउट ऑफ 140 कंट्रीज। एट फैक्टर दैट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स मेजर्स कौन कौन से हैं, तो कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स, अब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड ये प्रोसेस 1 मिलियन ट्रांजेक्शन थ्रू इट्स डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। इंडिया फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है ये, और रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर द एजेस ऑफ द आईबीसी कोड 2016। प्राइमरी रोल ऑफ एनईएसएल इज टू सर्व एज ए रिपोजिटरी ऑफ लीगल एविडेंस होल्डिंग द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनी डेट क्लेम, राइट। तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉलिटी सेक्शन विजन आईएएस PT365। हमने सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर दिया है। प्लीज अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों जाकर देखिए, और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपको ये कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।